जी, तो आप दुबई में हैं और आप चाहते हैं एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा, और आप सोच रहे हैं कि कहाँ से अच्छी प्राइस में लिया जाए, क्योंकि दुबई में ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत मुनासिब मिलती है। तो बेस्ट प्लेस है मीना बाज़ार। यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं कैमरास की, आपको यहाँ से यूज़ और न्यू आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप दुबई विजिट पे हैं या दुबई में रहते हैं तो आप मीना बाज़ार आ सकते हैं। डेरा में के अंदर ये एक बाज़ार है और यहाँ पे आपको गोप्रोज, सोनी के मिररलेस, ड्रोन्स और मोबाइल्स भी सब बहुत अच्छी प्राइस में यूज्ड और न्यू में मिल जाएंगे। तो मैं दुबई में चूँकि एज अ टूरिस्ट आया हुआ था, तो मैंने कहा एक इस बाजार की वीडियो बनाई जाए। 64 है तो आपको मिल जाएगा 3,750। 64 00 3,750। और हीरो 9 की क्या प्राइस है? आपको 1,360 में। हीरो 10 भी है अभी आपको? वो क्या प्राइस है उसकी? वो तो आपको मिल जाएगा 1,675। 1,675 ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो ये सोनी का ये कैनन का, हाँ, कैनन के एकदम स्टार्टिंग में आपको 4,000 दिया है, वो तो आपको 1,300 में आएगा, सॉरी वो तो आपको 1,250 में आएगा। फिर आपको उसका थोड़ा आगे आपको 2,000 दिया आएगा, वो तो आपको 1,500 में आएगा। और ये जो 90D है तो आपको सिर्फ बोर्ड या तो 4,150 में आएगा। ठीक है, आपको विथ किटलेंस का साथ है तो 18135 का साथ है तो आपको 5,300 में। अच्छा, जो अभी जो थोड़ा है ना उसका जो प्राइस है थोड़ा ऊपर है, पहले तो इससे भी थोड़ा सस्ता था। ठीक है, थोड़ा महंगा। अच्छा, तो जो आपका ड्रोन है इस वक्त मिनी टू की क्या प्राइस चल रही है? वो 2,000 आएगा मिनी टू कॉम्बो। 2,000 ड्रोन मिनी टू कम्बो 2,000। 1,975 आएगा जो टैक्स भी आएगा। अच्छा, टूरिस्ट जो टैक्स है आपको वापस। ठीक है, और जो इसका DJI का इससे ऊपर है जो, इससे ऊपर आपको एयर टू आएगा फिर एयर टू एस आएगा फिर अभी लेटेस्ट वाला मैविक 3 आएगा। अच्छा, एयर टू का क्या प्राइस है? एयर टू तो आपको मिल जाएगा सर 3,550 में आएगा। 3,550। अच्छा जी, ये एक ओवरव्यू बनाया था मैंने शॉप का कि यहाँ आपको दुबई में कैमरास की भी एक आइडिया हो जाए प्राइस का। जी, सैमसंग सिटी चॉइस, आपने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी होंगी इनसे। तो मैंने अभी यहाँ से कुछ प्राइसेस का पता किया, जैसे ड्रोन हो गया और ये गोप्रो वगैरह और जो कैमराज व्लॉगिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपको इस वीडियो से एक आइडिया हो गया होगा कि अगर। अच्छा जी, प्राइसेस का रिव्यू तो हो गया, एक छोटा सा व्लॉग बन गया। तो मैं अब वे अल गुबैबा बस स्टेशन है वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से बस लेनी है ड्रैगन मार्ट की, जो कि एक होलसेल मार्केट है, और मैं उसे भी विज़िट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस हैं। तो ये अब मैं वॉक कर रहा हूँ अल गुबैबा बस स्टेशन की तरफ। तो दुबई की गलियाँ कुछ ऐसी हैं, तो अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ पे हर चीज़ मैनेज्ड है। तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट्स किसी कंट्री की अमीर हो जाती हैं, रिच हो जाती हैं, तो फिर हर चीज़ स्टेबलाइज्ड हो जाती है।